हेलो सो, मैं मोहम्मद अंसिम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोग को एक बेहतरीन सा पार्ट टाइम जॉब लेके आ गया हूँ, और ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं, बायजूस की तरफ से आ रही है। मैं आप लोग को बता देना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग व्यूवर्स आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो, किसी न किसी सब्जेक्ट में आप लोग माहिर हो, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, आप लोग उसमें नॉलेज ज़्यादा रखते हो और आप लोग उसको पढ़ा भी सकते हो। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों होम ट्यूशंस के बारे में। आजकल काफ़ी सारे लोग जो है घर पे जाके या फिर घर बैठे ही बच्चों को पढ़ाते हैं और उससे उनकी अर्निंग होती है। लेकिन उससे अच्छा क्या हो कि अगर ये सारी चीज़ें एक बड़ी कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जा रही हूँ, तो बायजूस यहाँ पर आप लोग को होम ट्यूशंस के बारे में प्रोवाइड किया जा रहा है, और ये बिल्कुल नया लॉन्च किया है प्रोग्राम। आप लोग को पता होगा बायजूस, इससे पहले आप लोग को अगर पढ़ाना होता होगा तो आप लोग को किसी लोकेशन पर जाना रहता था, ठीक है, ऑनलाइन ही पढ़ाना होता था, लेकिन इनके ऑफिस में जाके जो कि ऑल ओवर इंडिया है वहां पे पढ़ाना होता होगा। लेकिन अभी जो है न्यू एकदम बिल्कुल फ्रेश यहां पे इन्होंने ये जॉब प्रोफाइल लाया हुआ है, जो कि आप लोग बिल्कुल पार्ट टाइम कर सकते हो। इसमें आप लोग चाहे स्टूडेंट हो या फिर हाउसवाइफ लेडीज हो, आप अपने शहर के, अपने लोकेलिटी के अराउंड ही जितने बच्चे हैं वहां पे आप लोग होम ट्यूशन दे सकते हो। और इसका जितना भी दोस्तों डिटेल है, अगर आपको बच्चे नहीं मिल रहे तो आप लोग को वो बायजूस जो है खुद प्रोवाइड करता है आपके लोकेलिटी के आसपास। तो जो बच्चे बायजूस से जुड़े होते हैं आपकी लोकेलिटी के आसपास, उनको ही आप लोग को पढ़ाना होता है, और सारा जो है अर्निंग वगैरह बायजूस ही देता है। मज़े की बात दोस्तों ये है कि यहाँ पे आप लोग को कोई यहाँ पे टाइम नहीं है फिक्स, आप लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से यहाँ पे बच्चों को पढ़ा सकते हो। पैसे भी उसके अकॉर्डिंग भी मिलते हैं, जितना ज़्यादा आप घंटे पढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपको अर्निंग होती है। टोटली पार्ट टाइम है, जब मन करे आप लोग उस हिसाब से पढ़ा सकते हो। तो ये पूरी डिटेल मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। बस एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना कि यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स को सही तरीके से इसको फॉलो करना और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सही सही देख लेना, उसके बाद इसको अप्लाई करना। प्रोसेस जानने के लिए बिल्कुल एंड तक बने रहें बिना स्किप किए। और दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगती तो एक लाइक जरूर मार देना, अगर आप लोग पहली बार चैनल में तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा देना, और बगल में नोटिफिकेशन बेल इसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसी डेली जो अपडेट्स मैं आप लोग के लिए आता रहता हूँ। दोस्तों बिना किसी देरी के आइए जानते हैं सब कुछ ए टू जेड। अब दोस्तों नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप यहाँ पे मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हो। बायजूस द लर्निंग ऐप के द्वारा ट्यूटर बायजूस होम ट्यूशंस है, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो पार्ट टाइम है और बिल्कुल फ्रेश है, न्यू जॉब प्रोफाइल है। अगर मैं इसके बारे में आप लोग को बता देता हूँ, तो बायजूस अपनी कंपनी के बारे में यहाँ पे प्रोवाइड करता है, और इन्होंने बोला है कि बिल्कुल फ्रेश न्यू लॉन्च किया है इन्होंने होम ट्यूशंस के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप पार्ट टाइम एज अ ट्यूटर की तरह रोल काम कर सकते हो, और ग्रेड वन से, क्लास वन से लेकर क्लास टेंथ के बच्चों को आप लोग पढ़ा सकते हो, जो कि ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, ठीक है। उसके अलावा देखिए लोकेशन कहीं जाना नहीं है, आप लोग को होम ट्यूशन ही देना है स्टूडेंट्स के रेजिडेंस पे या आपके प्रिफर्ड एरिया में। सपोज आप अपने किसी एरिया में रहते हो तो वहाँ पे जो आसपास जो बच्चा है बायजूस से जुड़ा है उसी का आप लोग को एड्रेस और नंबर दिया जाता है, और आप वहीं पे जाके पढ़ा सकते हो। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल है। अब दोस्तों देखिए वर्किंग शिफ्ट ये आप पे डिपेंड करता है, आप जब मन करे जब खाली हो तब आप जाके वहाँ पे पढ़ा सकते हो, ये बिल्कुल पार्ट टाइम वाला है, ठीक है। डिपार्टमेंट एकेडमिक्स का जो इन्होंने दिया हुआ है, एडवांटेज इसका ये है कि बायजूस से आप जैसी बड़ी कंपनी से जुड़ते हो तो उसका एक अलग यहाँ पे जो है फ़ायदा होता है, एडवांटेज होता है, ठीक है। और आप अपना पैशन यहाँ पे जो है कर सकते हो, आप कोई और काम कर रहे हो तो चाहते हो कि वो डिस्टर्ब ना हो, इसके साथ साथ मेरी अर्निंग हो, तो ये काम आप लोग के लिए है। और यहाँ पे आप लोग लर्न कर सकते हो, आपके नॉलेज बढ़ेगी और आप स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर सकते हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह में देख लीजिए, टीचर्स जो आप पढ़ाने जाते हो तो वहाँ पे आप लोग को बायजूस के एप्लीकेशन में पूरा करिकुलम वगैरह सेट करना होता है कि इस बच्चे को इतना पढ़ाना है आज के दिन, कल का क्या पढ़ाना है, उसके क्लास में क्या क्वेश्चंस देने हैं, किस तरह होमवर्क देने हैं, क्लास करने है, वो सारी चीजें आप लोग को देना है, और डिटेल स्टडी प्लान उसमें आप लोग का एप्लीकेशन में खुद ही आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आप लोग को मेंटेन करनी होती है। क्वालिफिकेशन ध्यान से दोस्तों देख लो, यहां पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने मांगा है। तो आप अगर रिसेंटली बिल्कुल फ्रेशर्स ग्रेजुएट हो या फिर आप लोग जो है मास्टर्स डिग्री की है तो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करना। और एक्सपीरियंस अगर आप लोग का ज़्यादा है तो आप लोग वेल एंड गुड, गुड कम्युनिकेशन एंड एक्सप्लेनेशन स्किल होनी चाहिए, मतलब आप अपने लोकल लैंग्वेज या फिर अपने इंग्लिश, जिस बच्चे को जाओगे दोस्तों वो तो लोकल लैंग्वेज में ही आप उसको समझाओगे, तो एक्सप्लेनेशन समझाने की जो है आपका जो क्षमता होती है पावर वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पेशेंट होना चाहिए कि सामने के जो बच्चे की बात है वो आप आराम से उसको समझ सको, धीरे से आराम से उससे बात कर सको, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और डेडिकेशन होना चाहिए, एक फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए कि स्टूडेंट को पढ़ाना है, उसको पढ़ा के अच्छे नंबर से पास करोगे तो बायजूस के में ग्रेडिंग सिस्टम भी होती है, उससे आपकी जो रैंकिंग होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप देखिए कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, तो जो भी आप टीचिंग में अगर इंटरेस्ट रखते हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्कूल टीचर हो, कोई भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आप अंडर ग्रेजुएट में परस्यूइंग हो, ठीक है, और या फिर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो, सपोज मतलब आप अभी ग्रेजुएट बिल्कुल पूरा नहीं किया तो क्लियरली लिखा है अंडर ग्रेजुएट हो,
तब भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और एक चीज़ बोला है कि आपके पास टू व्हीलर या फिर फोर व्हीलर होना चाहिए एक ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, ठीक है। तो मतलब अपने लोकेलिटी में अगर आपके पास जाना है तो आपके पास ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों अप्लाई करने के लिए आप लोग को नीचे जो अप्लाई फॉर जॉब्स, इस पर आप लोग क्लिक करोगे तो इस तरीके के पेज पर आ जाओगे। ये एक फॉर्म है, ठीक है, छोटा सा फॉर्म है, इसको ध्यान से देख लो किस तरीके से फिल करना है। तो नेम आप लोग को फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है, ईमेल, जेंडर यहाँ से चूज़ कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ आप लोग को इस कैलेंडर से यहाँ पे चूज़ कर लेना होता है, सही सही। एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए आप लोग का, अगर इसमें से एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं दिख रहा तो आप अदर्स में जाके यहाँ पे अदर्स कर सकते हो, ठीक है। ग्रेजुएशन कॉलेज आपको अपना यहाँ पे लिखना है या जहाँ से ग्रेजुएट कर रहे हो, अभी पढ़ रहे हो, ठीक है। टीचिंग एक्सपीरियंस आप यहाँ पे देख सकते हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, कर सकते हो। और ग्रेड इसमें आप किस क्लास को पढ़ाना चाह रहे हो, तो आप क्लास 1 से 5 भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट कौन सा चाहिए आपको, तो मैथ साइंस और एनवायरनमेंट साइंस, ये 3 सब्जेक्ट दिए हैं, तो आप इसमें से कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर सकते हो, ठीक है। एक ये हो गया, उसके बाद लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए बहुत सारे यहाँ पे लैंग्वेज है, आप किसी भी लैंग्वेज में यहाँ पे आप चूज़ करके इस पर जो है आप ड्रॉप डाउन में से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे करंट स्टेट, आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो अपनी सिटी, यहाँ पे पिन कोड और रिज्यूम। दोस्तों बेहतरीन रखना और 2 पेज से मैक्सिमम, उससे ज़्यादा रिज्यूम मत रखना, और उसमें क्लियरली मेंशन करना कि मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरा ये सब्जेक्ट अच्छा है, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आप लोग कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेशन तो ज़रूर उसमें ऐड कर देना, इसको अपलोड कर देना PDF फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद लिखा इन्होंने कि क्या आप कभी बायजूस से जुड़े हो, तो आप अगर येस करते हो तो नीचे देखिए पूछता है कि क्या आप अगर बायजूस के ऐप से या फिर व्हाइट हैट जूनियर्स या फिर मेरिट नेशन, इस तरीके की किसी भी एप्लीकेशन से आप ज्वाइन हो तो आप यहाँ पे मेंशन करिए, अदरवाइज आप इसको नो कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको NA सेलेक्ट कर सकते हो लास्ट वाले में, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको यहाँ पे आप लोग को जो है सबमिट कर देना होता है, ठीक है। अब सबमिट करने के बाद दोस्तों आप लोग को विद इन 1 वीक एक कॉल आ जाती है, और वहाँ से आप लोग से सिंपली जो है समझते हैं कि आप किस तरीके से बात कर पाते हो, आप कहीं और पहले पढ़ाते थे, बायजूस के बारे में क्या जानते हो, और इस जॉब रोल के बारे में ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों, क्योंकि वो ज़रूर पूछते हैं कि आप जिसके लिए अप्लाई किए उसके बारे में जानते हो, और आपके लोकेलिटी में बच्चे हैं कितने, आप किस तरीके से पढ़ाते हो, ये सारी चीज़ें आप लोग जो है पहले से प्रिपेयर कर लेना, बहुत आसान सा रहता है दोस्तों, उसका सिलेक्शन हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की है, लेकिन ये टोटली पार्ट टाइम है, तो डिपेंड करता है आप जितना ज़्यादा काम करोगे उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे अर्निंग होगी। तो एक अगर मैं हिंट दे दूँ तो अगर आप सपोज़ 4 से 5 घंटा डेली यहाँ पे पढ़ाते हो तो आपका 15 से 20 हज़ार रुपये पर मंथ यहाँ पे बनता है। बाकी बायजूस इस पे क्या एडेड एडवांटेज देता है वो आपको सेलेक्ट होने के बाद ही वहाँ पे पता चलेगा। दोस्तों सारी डिटेल बिल्कुल क्लियरली मैंने आप लोगों को बताई है, नीचे कमेंट करके मुझे ये बताओ कि क्या आपका फ्रेंड या आप खुद कहीं बायजूस में पहले अप्लाई किया हो, या फिर बायजूस में ऑलरेडी वर्क कर रहे हो, चाहे एकेडमिक स्पेशलिस्ट में या BDA या किसी में भी, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर मार देना, अगर आप लोग पहली बार चैनल में तो मेक श्योर नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर दबा देना, और बगल में नोटिफिकेशन बेल इसको भी ऑन कर देना, क्योंकि ऐसे डेली जो अपडेट्स मैं आप लोग के लाता रहता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।